हेलो गाइज, आप लोग कैसे हैं? आज मैं कुछ आप लोगों को दिखाने जा रही हूँ। ये मूली मैंने धो के काटी है, फ्रेश, बिल्कुल ही साफ काट ली है। और ये हमारी कुछ गाजर है और ये मिर्च है, कुछ मैंने काटी है धो करके फ्रेश। और इसका मैं अचार बनाऊंगी। और ये मैं इधर रख रही हूँ, ये आपको दिखा रही हूँ। ये हमारे कुछ मसाले, इसको मुझे कुछ भूनना है ऐसे बगैर तेल में ऑयल में, फिर मैं बताती हूँ क्या करना है। ये फैन में डाल दिया है मसाला और बिल्कुल इसको चलाते रहना है बराबर, बगैर तेल घी कुछ भी नहीं डलता है, बस यूं ही खाली फ्लेम में ही रखना है, चलाते रहना है बराबर, अच्छी खुशबू आने तक मुझे इसको चलाते रहना है, फिर मुझे निकाल लेना है। गैस ये ठंडा होने के लिए मैंने हटा लिया है, गैस से इसको ठंडा करने के लिए चल रही हूँ और अच्छा ठंडा हो जाएगा जब मैं मिक्सी जार में पीसूंगी। गाइस ये तेल हो चुका हमारा और मैं चल रही हूँ इसमें यही जो मैंने वेजेस काटे थे, मूली और ये गाजर मिर्च, उसको थोड़ा पानी सुखाना है ताकि हमारा अचार लंबे समय तक चले। पूरा भर गया है, करीब 2-3 मिनट तक मुझको इसको चला के रखना है हाई फ्लेम पे ताकि इसका पानी जल जाए। ये पानी इसका जल चुका है और बिल्कुल ही देखो कलर भी चेंज हो गया है। मैं इसको गैस को बंद कर रही हूँ और ठंडा करने के लिए हटा रही हूँ गैस से, नीचे उतार के रख रही हूँ ठंडा करने के लिए। फिर ये जैसे ही ठंडा होता है वो मैं उसको फिर अपने कंटेनर में भरूंगी। अब मैं चल रही हूँ मसाले गेरने के लिए। ये हो गई लाल मिर्च, कस्तूरी कलर आने के लिए गेर रही हूँ। और ये भर के हमारा चम्मच एक नमक का जाएगा, ये आधा चम्मच विनेगर और जाएगा। और ये जो मैंने मिक्सी में मसाले पीसे थे रोस्ट करके, वो जाएंगे इसमें और उसको आपस में मिला लेना है। ठंडा होने के बाद में कंटेनर में भर के रख दूँ। एक चम्मच हल्दी गेर रही हूँ, थोड़ा इसमें तेल जाएगा, ये जो मैंने गरम करके रखा था, बस हल्का ही जाएगा, ज़रूरत अनुसार, ज़रूरत लगेगी तो और गेर दूँगी। और इसको आपस में मिला लेना है, ठंडा होने के बाद कंटेनर में रखना है भर के, और बहुत ही अच्छा लाजवाब बन जाएगा। और आप खाए पिए चाहे 15 दिन या 1 महीने रख के भी खा सकते हो। और बहुत ही अच्छा बन गया है, ये बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, बस ठंडा हो रहा है, ये ऐसा चलाती रहूँगी ठंडा। ये ठंडा हो चुका है हल्का, थोड़ा बहुत है गर्म, कोई बात नहीं, मैं अपना अब भर के रख रही हूँ कंटेनर में। और इस प्रकार से वो तो चलेगा काफ़ी दिन हमारा, ये चलेगा बहुत ही, यकीन मानो बहुत ही लाजवाब बनाया है ये। और आप लोग भी बनाएं, बच्चों को खिलाएं। और आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें प्लीज। ये अचार हमारा बहुत ही परफेक्ट तैयार हुआ है। ये परफेक्ट हमारा तैयार हो चुका है, मैं इसको अब ढक करके रख देती हूँ फ्रीज में, आप रखो। और बहुत ही लाजवाब बनाया है मैंने।